हाय एवरीवन, आई एम अशोक। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अशोक सरदार रेड्डी। तो गाइस, आप देख सकते हो स्क्रीन में इस तरह का फोटो एडिटिंग देखने में कितना अच्छा लग रहा है। इस तरह का फोटो एडिटिंग करना बहुत ही ईजी है। बस आपको क्या करना होगा, वीडियो को लास्ट तक देखना होगा गाइस। अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, साथ ही बेल आइकन भी दबा देना। इससे क्या होगा, मेरा आने वाला न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाएगी। तो गाइस चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो गाइस सबसे पहले ये बैकग्राउंड को ओपन करना है, ठीक है। ये बैकग्राउंड आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। उसके बाद क्या करना होगा, हमें ऐड फोटो में जाना है गाइस। ऐड फोटो में जाने के बाद इस बार मॉडल की पीएनजी को ऐड करना है, ठीक है। अब भी अपने मॉडल की पीएनजी को ऐड कर लेना है। इस बैकग्राउंड में ऐड हो जाने के बाद इस मॉडल की पीएनजी को बैकग्राउंड में अच्छी तरह से एडजस्ट करनी है गाइस। ओके, अपने हिसाब से एडजस्ट करने के बाद इसकी साइज को भी अपने हिसाब से एडजस्ट कर लेनी है। एडजस्ट हो जाने के बाद इरेजर में जाके गाइस इरेजर की हार्डनेस को कम कर लेंगे। ओके, कम करने के बाद नीचे के हिस्से को गाइस इरेज कर लेंगे। तो आप भी अपने मॉडल के पीएनजी को नीचे के हिस्से को इस तरह से इरेज कर लेना, जिस तरह से मैं कर रहा हूँ इरेज, इस तरह से आपको भी अपने मॉडल के पीएनजी इरेज कर लेना। फिर उसकी ओपेसिटी को कम कर लेना है गाइस। कम हो जाने के बाद इस फोटो को डन कर लेते हैं। डन करने के बाद क्या करने का, फिर से हमें ऐड फोटो में जाना है। ऐड फोटो में जाने के बाद फिर से हमें एक मॉडल की पीएनजी को ऐड करना है। ओके, ऐड हो जाने के बाद इसको हम नीचे की तरफ एडजस्ट करनी है गाइस। एडजस्ट हो जाने के बाद आपको क्या करना है, फिर से इरेजर में जाना है। इरेजर में जाने के बाद फिर से इरेजर के हार्डनेस को कम कर लेंगे, ठीक है। कम कर लेनी है अपने हिसाब से। कम करने के बाद नीचे वाले हिस्से को इरेज कर लेनी है। जिस तरह से मैं इरेज कर रहा हूँ, आपको भी इसी तरह से नीचे वाले हिस्से को इरेज कर लेना है। इरेज करने के बाद फिर से इस फोटो को डन कर लेनी है। तो गाइस उसके बाद क्या करना होगा, ऐड फोटो में फिर से जाना है और इस बार हमें एक टेक्स्ट की पीएनजी को ऐड करना है। तो टेक्स्ट की पीएनजी को सबसे पहले क्या करना होगा, ब्लेंड में जाके स्क्रीन कर लेना है गाइस। स्क्रीन करने के बाद आपको इस पोजिशन में एडजस्ट करनी है। ओके, एडजस्ट हो जाने के बाद क्या करना होगा, इसकी ओपेसिटी को थोड़ा सा कम रखेंगे, कम कर लेनी है। उसके बाद क्या करना होगा, फिर इस फोटो को डन कर लेंगे। डन करने के बाद हमें फिर से ऐड फोटो में जाना है। इस पर एक साइडो के पीएनजी को ऐड करना है, ठीक है। ये साइडो के पीएनजी को इस तरह से साइज इंक्रीज करके नीचे की तरफ एडजस्ट करनी है। एडजस्ट हो जाने के बाद इस फोटो को गाइस देख सकते हो, देखने में कितना अच्छा लगा। तो गाइस इस फोटो को अपने फ़ोन में सेव कर लेनी है, ठीक है। थैंक यू सो मच।